नागालैंड के गवर्नर कौन है? पद्मनाभ आचार्य है नागालैंड के गवर्नर। दोस्तों गवर्नर और सीएम के बारे में पूछा गया है, तो जितने भी स्टेट हैं उनके गवर्नर और सीएम के नाम अच्छे से याद कर लें। मध्य प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कर्नाटक में सोने की खान है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए हैं? भानु प्रताप शर्मा नियुक्त किए गए हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? दोस्तों ये है वाराणसी में। गोवा से पुर्तगालियों को कब गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था? तो ये 1964 सन 1964 में कराया गया था। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? ये जल का वाहन करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो जल का वाहन करते हैं। और नेक्स्ट है स्मार्ट कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया? आमिर खान जी को नियुक्त किया गया है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। तो दोस्तों आप जानते हैं हीलियम जो है वो बहुत ही हल्की होती है, इसलिए ये तैराक को तैरने में मदद करती, मतलब भारी नहीं होती है। विटामिन ई का नाम क्या होता है? तो दोस्तों ये टोकोफेरॉल कहा जाता है इसको। अब इसमें ये दो और लिखे हुए हैं, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? इसको साइनोकोबालमिन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कोबालमिन लिखा हुआ है, साइनोकोबालमिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है इलियम में, तो दोस्तों इसको इलियम में। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग और एवं बेस्ट ने, दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी होने से मधुमेह रोग हो जाता है। मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य का रक्तदाब 120 और 80 mm होता है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? संघ ऑर्थोपेडा। जंतु का सबसे बड़ा संघ है संघ ऑर्थोपेडा। पौधे जिनमें पत्तियां नहीं होती, तो पौधे जिनमें पत्तियां नहीं होती उसे ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर में कुछ मुझे नहीं मालूम है, तो ये आपको खुद पता लगाना है और कमेंट करना है। लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, यह भी आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करना है। एंजाइम कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स में। एंजाइम जो है वो राइबोसोम्स में बनते हैं। और दोस्तों अगर मेरा चैनल आप मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, अगर हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो बिल्कुल कर ही दें, मैं इतना मेहनत जो कर रहा हूँ आपके लिए। आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। त्वरण कम होने पर बल पर क्या प्रभाव होता है? त्वरण कम पर होने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप खुद ही बताएं दोस्तों मुझे, ठीक है। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार जो है वो टीन का और लेड से मिलके बना होता है। फ्यूज तार किससे बना होता है? टीन से और लेड से बना होता है। टॉर्च में कौन सा दर्पण काम के में लिया जाता है? टॉर्च में अवतल बोले तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। 1 kW को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 3.6 × 10⁶ जूल। प्रतिरोध की यूनिट ज्ञात करें, प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। दोस्तों प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर किया जाता है। फंक्शन ट्रांसफार्मर किस युक्ति पर कार्य करते हैं? तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों ये भी आपको खुद ही देखना है दोस्तों, ठीक है। फोकल लेंस के फॉर्मूला क्या होता है? -1/focal length = 1/V - 1/U, ठीक है दोस्तों। वी है वर्चुअल इमेज, यू है रियल इमेज। 39 पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट में। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन में सोडियम था। सोडियम बायकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम बायकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर से जल मिलने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर से जल मिलने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, ये भी आपको खुद पता करना है दोस्तों। मलेशिया की राजधानी क्या है? क्वालालंपुर। बहुत इजी। करप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को 81 स्थान मिला है दोस्तों। करप्शन इंडेक्स में भारत को 81वां स्थान मिला है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 133वां स्थान मिला है। और इस टाइप के जितने भी इंडेक्स होते हैं, जितनी भी रैंकिंग होती है इंडिया की, वो आप याद कर लें, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इलाहाबाद बैंक का अध्यक्ष कौन है? उषा अनंत सुब्रमण्यम। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम किसकी है? तो ये तो सब जानते ही हैं कि
शाहरुख खान जी की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है। भारतीय ओलंपिक का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। भारतीय ओलंपिक का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीवी सिंधु है। इन्होंने स्टार्टिंग में जो ध्वजवाहन किया था वो पीवी सिंधु ने किया था, और एंड में किया था एमसी मैरी कॉम ने, जो कि बॉक्सर हैं, महिला बॉक्सर। जुपिटर बृहस्पति के नए खोजे गए उपग्रह, कितने उपग्रह खोजे गए हैं? बृहस्पति के कुल 12 उपग्रह खोजे गए हैं नए, और इसके साथ ही अब उपग्रहों की संख्या जो हो गई है वो 79 मतलब 79 हो गई है दोस्तों। तो ये था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा। अगर अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करें, और ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि रेलवे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसे बार बार रिपीट करता है। तो थैंक यू।